हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। निकिता हियर। और आज क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी वैसे तो, लेकिन हम लोगों ने जो मेजर वाला पार्ट लास्ट क्लास में देखा था वो था आपका कि आप लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कैसे नेम देते हो। मतलब मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को आप नेम कैसे देते हो, और आपको कैसे याद रहेगा कि ये नेम से ये फंक्शनल ग्रुप को आपको याद रखना है। मैंने उसका एक बढ़िया सा आपको ट्रिक बताया था, और सारे फंक्शनल ग्रुप्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, टर्शरी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। चलिए, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट, जो है आपका होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉग से। चलिए देखते हैं कि होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉग एक्चुअली क्या होता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भाई होमोलॉगस और होमोलॉग। ठीक है, देखते हैं ये होमोलॉग क्या होता है। पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देती हूँ भाई, फिर आपको समझा के दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको समझा के नहीं दूंगी तो ऐसा भी सही नहीं रहेगा, और लिखा के नहीं दूंगी तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं होमोलॉग को। एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड एज, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग। तो चलिए भाई देखते हैं ये होमोलॉग क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन के हिसाब से मुझे ये समझ में आता है कि जो भी मेरा इंडिविजुअल मेंबर रहता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉग। तो देखते हैं इस चीज़ को। सपोज मैंने यहाँ पे एक रिंग लिए, लेट अस से CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। आप यहाँ पे कार्बन के नंबर को काउंट मत करो, ऐसा मत देखो कि कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। आप जो देख रहे हो ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है यहाँ पे, वो ये देखना है कि ये आपकी कार्बन की चेन है भाई, ये आपकी कार्बन की एक सीरीज है, ये आपकी कार्बन एटम की एक चेन है, एक सीरीज है। तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या होता है वो तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस की हेल्प से, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी आपकी सीरीज होती है ना कार्बन एटम की, उसी को आप लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हो। तो जो भी ये वाला पार्ट है, जैसे ये CH2 है, ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका होमोलॉग हुआ, ये CH2 भी आपका होमोलॉग हुआ, ये CH2 भी आपका होमोलॉग हुआ, ये CH2 भी इसके अंदर का होमोलॉग हुआ। ठीक है भाई, इसके अंदर का भी CH2 आपका होमोलॉग हुआ। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपकी होमोलॉगस सीरीज रहती है, मतलब जो भी आपकी कार्बन एटम की सीरीज रहती है, उसमें जो एक एक इंडिविजुअल कार्बन है ना, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, होमोलॉग। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये एक CH2 है, ये सेकंड CH2 है, ये थर्ड CH2, ये फोर्थ CH2 और ये फिफ्थ CH2 ग्रुप है, ये सब आपके एक एक होमोलॉग ही है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भी आपका इंडिविजुअल मेंबर रहता है ना, जो भी आपका इंडिविजुअल मेंबर रहता है ना होमोलॉगस सीरीज का, उसी को आप लोग होमोलॉग बोलते हो। ठीक है भाई, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ होमोलॉग की, होमोलॉग का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। चलिए देखते हैं होमोलॉग के क्लासिफिकेशन को। अब मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि ये जो होमोलॉग होता है ना, इसके टोटल दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका लोअर होमोलॉग। बुक में अगर आप लोग 3-4 पेजेस भी समझ लेंगे तब भी आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में उतना क्लियरली नहीं आएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लासिफिकेशन डायरेक्टली आपको समझा दे रही हूँ। तो आपको बुक के वो 2-3 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख के आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को ऐसे ही कर सकते हो। और सेकंड रहता है आपका हायर होमोलॉग।
तो आपने यहाँ ये देखा भाई कि जो भी आपका इंडिविजुअल मेंबर रहता है, मतलब हर एक CH2 ग्रुप, वो आपका क्या है, वो आपका होमोलॉग है। जो भी आपका इंडिविजुअल मेंबर रहता है ना किसी भी होमोलॉग सीरीज का, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, होमोलॉग। मतलब हर एक CH2 ग्रुप अभी हम लोगों ने देखा था वो आपका होमोलॉग ही था। लेकिन होमोलॉग के टोटल मेजर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लोअर होमोलॉग, एक होता है हायर होमोलॉग। सबको ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से पता है भाई कि होमोलॉग का मतलब ही कौन सा ग्रुप होता है। बार बार बताती हूँ भाई, बार बार बताती हूँ, होमोलॉग का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप। अब यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ भाई CH2 ग्रुप, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ भाई CH2 ग्रुप। मतलब मैंने दोनों तरफ आपका CH2 ग्रुप तो लिख दिया भाई, दोनों तरफ मैंने आपका CH2 ग्रुप तो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी होमोलॉग आ रहा है, यहाँ पे भी होमोलॉग आ रहा है। लेकिन ज़रा ध्यान दो भाई, ध्यान दो सारे के सारे, ध्यान से देखो, यहाँ पे है लोअर होमोलॉग। क्या बोला गया है, लोअर होमोलॉग। लोअर का मतलब ही आप लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रैक करेंगे CH2 ग्रुप को, आप लोग माइनस करेंगे भाई CH2 ग्रुप को, तो आपको लोअर होमोलॉग मिलेगा। और अगर आप लोग ऐड करते हो ना भाई, अगर आप लोग ऐड करते हो ना CH2 ग्रुप को, तो आपको हायर होमोलॉग मिलेगा। ये एग्जांपल्स ऐसे समझ, ये मतलब आपको ऐसा कंसेप्ट डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमको देखने पड़ते एग्जांपल्स। टेंशन बिल्कुल भी लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं सारे के सारे एग्जांपल्स एकदम बेस्ट तरीके से डिस्कस करवाने वाली हूँ। लेकिन सब आप इतना समझ लो भाई कि होमोलॉग का मतलब एक इंडिविजुअल CH2 ग्रुप होता है। अब होमोलॉग का मतलब CH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे भी होमोलॉग है तो मैंने CH2 ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे भी होमोलॉग है तो मैंने CH2 ग्रुप लिख दिया। लेकिन यहाँ पे नाम ही है लोअर, नाम ही है भाई लोअर। लोअर का मतलब ही क्या होता है, कम होता है। नाम ही है लोअर भाई, लोअर का मतलब ही क्या होता है, कम होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ही तो करेंगे भाई। हायर का मतलब ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा। लोअर का उल्टा होता है हायर, तो सबस्ट्रैक का उल्टा क्या होगा भाई, ऐड। तो याद रखने का, अगर आपको लोअर होमोलॉग बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे, CH2 ग्रुप को सबस्ट्रैक करेंगे, और अगर आपको हायर होमोलॉग बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग CH2 ग्रुप को क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने आपको बोला है वन लोअर होमोलॉग बोला है भाई मैंने आपको, ठीक है। फिर मैं आपको बोल रही हूँ टू लोअर होमोलॉग, फिर मैं आपको बोल रही हूँ थ्री लोअर होमोलॉग, ठीक है भाई। यहाँ पे भी हम लोग कुछ उसी टाइप से देख लेते हैं, वन हायर होमोलॉग, फिर हम लोग देखेंगे टू हायर होमोलॉग, फिर हम लोग देखेंगे थ्री हायर होमोलॉग, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो सारे के सारे, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको जो याद रखना है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपको होमोलॉग बोला है, तो होमोलॉग का मतलब ही कौन सा ग्रुप रहेगा, CH2 ग्रुप रहेगा। होमोलॉग का मतलब ही CH2 ग्रुप होता है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, सारे के सारे हर तरफ आपको होमोलॉग दिख रहा है, तो मैं हर तरफ CH2 ग्रुप को लिख दूँ, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि होमोलॉग का मतलब ही आपका CH2 ग्रुप होता है। होमोलॉग का मतलब ही क्या होता है भाई, होमोलॉग का मतलब ही आपका CH2 ग्रुप रहता है। तो मैंने हर तरफ होमोलॉग वर्ड देखा तो मैंने हर तरफ कौन सा ग्रुप लगा दिया, मैंने हर तरफ आपका लगा दिया CH2 ग्रुप। अब ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे है आपका लोअर, कौन सा वर्ड आ रहा है, लोअर, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लोअर आ रहा है तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे भी लोअर आएगा तो यहाँ पे भी आप माइनस करेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे वन लोअर होमोलॉग है तो आप एक CH2 ग्रुप को माइनस करेंगे। यहाँ पे टू लोअर होमोलॉग है तो आप लोग दो CH2 ग्रुप को माइनस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। अगर वन लोअर होमोलॉग है तो आप एक CH2 ग्रुप को माइनस करते हो, अगर टू लोअर होमोलॉग्स है तो आप लोग दो CH2 ग्रुप को माइनस करते हो, और अगर तीन होमोलॉग आ गए भाई तो आप लोग कितने CH2 ग्रुप को माइनस करेंगे, जल्दी से बता दो भाई, थ्री CH2 ग्रुप्स को।
अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये माइनस क्यों कर रहे हैं मैम, अरे भाई इधर देखो लोअर है, लोअर लोअर में हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब ज़रा इधर आओ भाई, यहाँ पे आपको बोल रखा है वन हायर होमोलॉग, ठीक है, वन हायर होमोलॉग। हायर का मतलब ही आप लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो आप यहाँ पे भी करेंगे प्लस, यहाँ पे भी हायर है तो यहाँ पे भी करेंगे प्लस, यहाँ पे भी हायर है तो यहाँ पे भी करेंगे प्लस। यहाँ पे हायर बोला है और हायर का मतलब ही आप लोग प्लस करते हो। अब यहाँ पे वन आया है भाई, वन हायर मतलब आप लोग एक सी एच टू ग्रुप को प्लस करेंगे। यहाँ पे दो हायर होमोलॉग है तो आप लोग दो सी एच टू ग्रुप को प्लस करेंगे। और यहाँ पे क्या है भाई थ्री हायर होमोलॉग तो आप लोग कितने सी एच टू ग्रुप को प्लस करेंगे, तीन। तो सीधी सीधी बात, अभी तक मैंने इतना बताया भाई, ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन करना बाकी है भाई। होमोलॉग का मतलब सी एच टू ग्रुप होता है, लोअर होमोलॉग का मतलब सी एच टू ग्रुप को माइनस करते हैं क्योंकि नाम ही लोअर। हायर होमोलॉग का मतलब क्या होगा, सी एच टू ग्रुप को प्लस करेंगे। अगर एक लोअर बोला जाए तो एक सी एच टू को माइनस करने का, अगर एक हायर बोला जाए तो एक सी एच टू को प्लस करने का। वैसा ही दो रहेगा वैसा ही तीन रहेगा। ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, इसके बिना आगे के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है भाई। चलिए भाई, अब हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज के कंसेप्ट को तो देखा, अब हम लोग देख रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि मैंने बताया था भाई, रेडी हो जाओ सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए। अब हम लोग करने वाले एकदम बेस्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस को सारे के सारे। चलिए आ जाओ भाई सारे के सारे अपने 11th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 14 में, प्रॉब्लम 14.1 में। चलिए भाई सारे के सारे पेज नंबर 210 पे आओ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 14.1 को। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 14.1 को, ठीक है भाई। अल्केन्स कॉन्स्टिट्यूट ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ से स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोल रखा है, अल्केन्स कॉन्स्टिट्यूट ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्केन्स में वो बोल रहा है कि होमोलॉगस सीरीज होता है कार्बन आइटम का, तो हाँ भाई होता ही है। आप लोगों को सभी को पता है कि सारे के सारे अल्केन्स में आपका कार्बन आइटम का होमोलॉगस सीरीज होता है। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट फाइव होमोलॉगस सीरीज, राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिड्यूस देयर जनरल फॉर्मूला ऑफ सच होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। वो आपको बोल रहा है फर्स्ट फाइव होमोलॉगस सीरीज आपको ऐड करना है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से क्या बोल रहा है वो आपको बोल रहा है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के आपको क्या बनाना है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आपको बनाना है भाई होमोलॉगस सीरीज। वो आपको बोल रहा है फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आपको होमोलॉगस सीरीज बनाना है तो बड़ा आसान, बिल्कुल भी उसमें डिफिकल्ट वाली कोई भी चीज़ नहीं है, और टेंशन तो भाई लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान से देखो, ध्यान से फर्स्ट टू फिफ्थ होमोलॉगस सीरीज बोल रखा है भाई, ध्यान से देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं लूँगी आपके CH4 को, सबसे पहले मैंने क्या लिया भाई, सबसे पहले मैंने लिया आपके CH4 को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हुई आपकी फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, ये क्या हुई भाई, ये हुई आपकी फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज। इसको फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज क्यों बोल रखा है, अरे भाई इसके अंदर में कार्बन कितने हैं, वन। वन का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट। इसलिए सीरीज को मैंने क्या बोला, फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज। समझे या नहीं समझे, अब देखो क्या होगा भाई, अगर मुझे फर्स्ट से बनाना है नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज को, तो मैं इसके अंदर में क्या करूँगी भाई, मैं इसके अंदर में सी एच टू ग्रुप को ऐड करूँगी, ठीक है। मैं इसके अंदर में सी एच टू ग्रुप को ऐड करूँगी, तो अब आप लोग ही बता दो भाई, अगर मैं इसके अंदर में सी एच टू ग्रुप को ऐड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन आपका वन ही, इस एक कार्बन में अगर एक और कार्बन ऐड करेंगे तो कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे, सॉरी दो हो जाएंगे। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से आके खोल के देखो सारे के सारे, यहाँ पे आपका कार्बन एक ही है, इसके अंदर मैंने एक और सी एच टू ग्रुप को ऐड किया तो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे दूसरा कार्बन था, तो कार्बन कितने हो गए, दो। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, चार, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो। चार प्लस दो कितना होता है भाई, छः, C2H6, ठीक है। इसी C2H6 का नाम क्या रहेगा, सेकेंड होमोलॉगस सीरीज। इसी को आप लोग क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड होमोलॉगस सीरीज। इसी C2H6 को आप ऐसा भी लिख सकते हो,
CH3 चलेगा भाई, कोई इशू नहीं है। आप इसी C2H6 को CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसी का फॉर्म है, ज़रूरी नहीं कि आपको ये लिखना ये नहीं चलेगा। जिसको ये जमता है वो ये लिखो, जिसको ये जमता है वो ये लिखो। किसी के भी अंदर इतना पावर नहीं है कि वो आपका आधा मार्क भी यहाँ काट सके। ये दोनों सेम ही चीज़ है भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कार्बन 2 ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने, 3+3 6, यहाँ पे भी 6 ही है। मतलब दोनों चीज़ें कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो पहले मेरे पास में एक ही कार्बन वाला था अल्केन, तो मैंने फर्स्ट होमोलोगस सीरीज बोला। जब मैंने इसमें एक CH2 ग्रुप को ऐड किया तो वो क्या बन गया, सेकेंड होमोलोगस सीरीज। अब कुछ लोग बोलेंगे, क्या मैम हमको कैसे पता है सेकेंड होमोलोगस सीरीज है। इधर देखो भाई, यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं, यहाँ पे आपके कार्बन हैं 2, तो होमोलोगस सीरीज का नाम भी क्या रहेगा भाई, सेकेंड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मुझे इससे करना है, अगर मुझे इससे जाना है थर्ड होमोलोगस सीरीज की तरफ, अगर मुझे इससे जाना है भाई थर्ड होमोलोगस सीरीज की तरफ, तो देखो भाई मैं क्या करूँगी, इसके अंदर में मैं फिर से एक CH2 ग्रुप को ऐड करूँगी, इसके अंदर में मैं फिर से एक CH2 ग्रुप को ऐड करूँगी, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, थर्ड होमोलोगस सीरीज। ज़रा इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन कितने थे 2 और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, 2+1 कितना होता है भाई 3 होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, 6+2 कितना होता है 8। ये हुई आपकी थर्ड होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी है 3/3, इसलिए होमोलोगस सीरीज भी क्या नाम है, थर्ड होमोलोगस सीरीज। अब अगर मुझे इससे बनाना है फोर्थ होमोलोगस सीरीज को, तो देखो भाई मैं इसको क्या लिखूंगी, अगर मुझे बनाना है फोर्थ होमोलोगस सीरीज को, अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे बनाना है भाई फोर्थ होमोलोगस सीरीज को, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर में फिर से एक और CH2 ग्रुप को ऐड करूँगी। अगर मैं इसके अंदर में फिर से एक और CH2 ग्रुप को ऐड करूँगी, तो मुझे कौन सा होमोलोगस सीरीज मिलेगा, फोर्थ होमोलोगस सीरीज। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3 और यहाँ पे कितना है 1, 3+1 कितना होता है भाई 4। आगे बढ़ते, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, 8+2 कितना होता है भाई 10। तो ये हुआ आपका फोर्थ होमोलोगस सीरीज। आप कुछ लोग बोलेंगे, बस ना मैम बस करो ना, कितना सीरीज शुरू, होमोलोगस सीरीज लगा के रख दिया। अरे भाई क्वेश्चन की तरफ देखो, अपन को फिफ्थ होमोलोगस सीरीज तक मूव करना है और अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही कवर किया है। तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग हमारे लास्ट वाले होमोलोगस सीरीज की तरफ, एज पर द क्वेश्चन, जो कि है आपकी फिफ्थ होमोलोगस सीरीज, जिसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग फिर से एक और CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे भाई। अब देखो क्या बनेगा, ये है आपका C4, 4+1 कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है 10, 10+2 कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। अब आप इसी को इथेन को आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, आप लोग आपके इथेन को ऐसा भी तो लिख सकते हो ना भाई, CH3 सेम ही चीज़ें। इसी C3H6 को देखो आप और कैसा लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3। इसी C4H10 को देखो आप और कैसा लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3। और इसी C5H12 को देखो आप और कैसा लिख सकते हो, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब आपको नाम देने का है, तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज में कार्बन 1 था, सेकेंड होमोलोगस सीरीज में कार्बन 2 थे, थर्ड होमोलोगस सीरीज में कार्बन 3 थे, फोर्थ होमोलोगस सीरीज में कार्बन 4 थे और फिफ्थ होमोलोगस सीरीज में कार्बन 5 थे। अब हाइड्रोजन तो अकॉर्डिंगली वैरी हो गए। याद रखना, जब हम लोग को होमोलोगस सीरीज से आगे वाली होमोलोगस सीरीज पे जाना है, तो करना बस एक ही काम है कि आपको CH2 ग्रुप को ऐड करना है। याद रखना भाई, दिमाग में फिट कर लो, CH2 ग्रुप को ऐड करना है। अब ऐड करके देख लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको ये नहीं जमता वो ऐसा ही लिखो, ठीक है भाई। अब ज़रा इधर देखो, जो भी आपका ये CH4 है, इसी का नेम क्या होता है, CH4 का नेम क्या होता है भाई, मीथेन होता है। C2H6 का नेम क्या होता है, इथेन होता है। ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमको नेमिंग देना है, ये कैसे आया मैं सब सिखाने वाली हूँ। C3H8 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड में भी था भाई। C4H10 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं।
और C5H12 को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पेंटेन बोलते हैं। तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 4.1 का सॉल्यूशन। ले लो भाई जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग देख रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, पेज नंबर 210 के, जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 14.2। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अपने प्रॉब्लम नंबर 14.2 को। प्रॉब्लम 14.2, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड हायर एंड सेकेंड लोअर होमोलोगस सीरीज ऑफ। देखो भाई आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है CH3 CH2 COOH, ठीक है, CH3 CH2 COOH आपको दे रखा है, ठीक है। आपको इसका दो चीज़ें बनानी है, आपको इसे देखो भाई क्या दो चीज़ें बनानी है, आपको इसे जो दो चीज़ें बनानी है, आपको पहली चीज़ बनानी है थर्ड हायर। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है थर्ड हायर होमोलॉग क्या होगा, मतलब जो भी आपका गिवन कंपाउंड है उसका थर्ड हायर होमोलॉग क्या होगा, एक तो आपको वो निकालना है और सेकंड चीज़ आपको निकालना है सेकंड लोअर होमोलॉग क्या होगा, सेकंड लोअर होमोलॉग। मतलब आपको एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है भाई, ज़रा ध्यान दो सारे के सारे, ज़रा ध्यान से देखो भाई, आपको ये कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, आपको पूछ रहा है बताओ इसका थर्ड हायर होमोलॉग क्या होगा और बताओ इसका सेकेंड लोअर होमोलॉग क्या होगा। देखो भाई कंसेप्ट तो अपन लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, आज के क्लास की स्टार्ट ही हमने ये कंसेप्ट से की थी, अब हम लोग को अप्लाई करते आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे ये वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई ध्यान से। इसी CH3 CH2 COOH को आप ऐसा लिख सकते हो, एक बार चेक कर लो भाई ज़रा, CH2 H CH2 COOH, येस और नो, क्या हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये CH2 को एज इट इज़ लिखा, ये COOH को भी एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे क्या नाम है इसका, CH3 है, तो क्या मैं CH3 को ऐसा लिख सकती हूँ CH2H? हाँ भाई हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो CH3 ग्रुप दिख रहा था ना, इस CH3 ग्रुप को कैसे लिखा, CH2 और H के फॉर्म में, चलता है बिल्कुल सही है, 2+1 = 3 होता है भाई, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, हम लोग इसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे, तो चलो भाई मैं इसको एज इट इज़ देख के लिख ले रही हूँ, CH3 CH2 COOH, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऊपर वाले लिखना है नीचे वाला, सभी सही है भाई, कुछ भी लिखो, जो आपको सही लिखता है लिखो, जो मुझे सही लिखता है भाई वो मैं लिखूंगी, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको ही लिखना है क्योंकि मैंने इधर लिखा है या बुक में ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने के, हमेशा याद रखने का जो अपन ने किया वही सही है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबके अंदर में, जो मैंने किया ना वही सही है हमेशा। आप अगर ऐसा कॉन्फिडेंस पेपर में रखते हो तो आपके अंदर आप जो भी पेपर में करोगे ना वो कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे, सिर्फ यही एटीट्यूड मेंटेन करो कि मैंने किया है ना तो वो करेक्ट ही होगा, भले वो गलत भी होगा लेकिन वो कॉन्फिडेंस के भरोसे पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। चलो इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, यहाँ पे आपको होमोलॉग बोला है, मतलब CH2 ग्रुप तो है भाई, CH2 ग्रुप का दो चक्कर है क्योंकि यहाँ पे होमोलॉग बोला है, यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे भी आपको होमोलॉग बोला है, जब भी होमोलॉग ग्रुप आता है भाई, जब भी आपका होमोलॉग आता है तो CH2 ग्रुप तो आता है भाई, ठीक है, दोनों तरफ होमोलॉग था तो CH2 ग्रुप आया। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे बोल रखा है हायर, और हायर का मतलब ही क्या होता है, हायर का मतलब ही होता है आपका प्लस, ठीक है, यहाँ पे बोला है लोअर, लोअर का मतलब ही क्या होता है भाई, आप लोग ये बता दो, अगर हायर का मतलब होता है प्लस तो लोअर का मतलब ही क्या होगा भाई, माइनस होगा। अब ज़रा और देखो भाई, यहाँ पे बोला है थर्ड, मतलब आपको 3 CH2 ग्रुप को ऐड करना है, तो थर्ड का मतलब 3, हायर का मतलब ऐड, होमोलॉग का मतलब CH2, यहाँ पे आपको बोला है सेकेंड लोअर होमोलॉग, तो सेकेंड का मतलब ही आपको 2 CH2 ग्रुप को कम करना है। अब ज़रा इधर देखो, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2, ठीक है भाई, आपको 3 CH2 ग्रुप को ऐड करना है, तो ये है आपका पहला CH2 ग्रुप जो मैंने ऐड किया, ये है आपका सेकंड CH2 ग्रुप जो मैंने ऐड किया, ये है आपका थर्ड CH2 ग्रुप जो मैंने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड हायर होमोलॉग बोला था, मतलब मुझे 3 CH2 ग्रुप को ऐड करना था, तो कर दिया भाई मैंने, 3 CH2 ग्रुप को ऐड कर दिया।
अब ये वाला चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब एज इट इज़ इसको देख के लिखा, बीच में मैंने क्या लगा दिया, तीन सी एच टू ग्रुप को। अब ज़रा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दो सी एच टू ग्रुप को माइनस करना है, कर दो भाई, दो सी एच टू ग्रुप को यहाँ से निकाल दो। क्यों निकाल रही हो भाई, मैं कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है सेकेंड मतलब दो, लोअर मतलब माइनस, होमोलॉग मतलब सी एच टू ग्रुप, निकाल दो भाई उसको। तो क्या बचा, यहाँ बचा एच और ये बचा आपका सी ओ एच, जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है भाई फॉर्मिक एसिड। ये सब आप लोग समझने वाले हो, धीरे धीरे सब समझेंगे, कुछ भी टेंशन मत लो। ये मैं इसका भी नाम आपको सिखा दी हूँ कि कैसे क्या आ रहा है, तो अभी मैं फिलहाल इसका नाम नहीं लिखती हूँ, ठीक है? वैसे तो इसका नाम हेक्सानोइक एसिड होता है, बट मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या आता है, इसलिए अभी फिलहाल मत लिखो, ठीक है भाई? तो समझ में आ गया सभी को कैसे हो रहा है। यहाँ से दो सी एच टू ग्रुप को क्यों निकाला, क्योंकि सेकेंड लोअर बोला था, ठीक है? ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, तो हम लोगों ने अभी तक IUPAC नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम वो सारी चीज़ें नहीं देखी है, लेकिन अगर मुझे वो डिस्कस करना है तो उसके लिए जो सबसे काम की चीज़ मुझे पता होनी चाहिए ना भाई, वो पता है क्या है आपको? वो है आपका कार्बन एटम का नेचर, कि कार्बन एटम का नेचर कैसा रहेगा, प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, टर्शरी रहेगा या क्वॉटरनरी रहेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता ना भाई, तो आप लोग कॉमन नेम या IUPAC नेम को नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। चलिए भाई देख रहे हैं हम लोग आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के टोटल थ्री टाइप्स होते हैं भाई। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी, बेसिक पढ़ना, उनके लिए मेरे ये सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुद भी देखो भाई और दूसरा का भी फ़ायदा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस खुद देख रहे हो और किसी और को तो बताया भी नहीं कि ऐसा कोई चैनल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप खुद भी देखो, अपना भी फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये सारे लेक्चर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ भाई, मैं देती हूँ, समझे ना? देखो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का नेचर कैसे कैसे होता है। अगर आपको कार्बन का नेचर नहीं पता, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम में सारे फंक्शनल ग्रुप्स की आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर में आपको कार्बन से अटैचमेंट, मतलब ही अल्किल ग्रुप से अटैचमेंट तो देखने ही मिलने वाला है भाई, ठीक है? तो चलिए जो पहला रहेगा आपका वो है प्राइमरी कार्बन एटम। पहले हम लोग बात कर रहे हैं 1 डिग्री कार्बन एटम की, और 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब ही क्या होता है भाई, प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है भाई? प्राइमरी कार्बन एटम, या तो आप इसको प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब 1 डिग्री के बाद में क्या आता है, 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है भाई, आप लोग ही बता दो, 2 डिग्री कार्बन। तो 1 के बाद में आएगा आपका 2 डिग्री कार्बन, इसी 2 डिग्री कार्बन को आप लोग क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी कार्बन। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सेकेंडरी कार्बन। फिर हम लोग समझेंगे भाई 3 डिग्री कार्बन को, क्योंकि 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में क्या आता है, सबको पता है भाई, 3 डिग्री कार्बन। तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। इसी को आप लोग क्या बोलेंगे भाई, टर्शरी कार्बन। 3 डिग्री के बाद में कौन आएगा, 3 के बाद में क्या आता है भाई, 4 आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे भाई, 4 डिग्री कार्बन। और 4 का मतलब ही क्या होता है भाई, 4 का मतलब ही आपका होता है क्वॉटरनरी कार्बन, ठीक है, समझ गए? अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। कुछ लोग बोलेंगे मैम ये बोलने में तो बड़ा आसान है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वॉटरनरी, लेकिन है ना हमेशा कन्फ्यूजन होता है मैम, ये प्राइमरी काय में आता है, सेकेंडरी काय में आता है, टर्शरी काय में, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है, कुछ समझता ही नहीं है कि कितने कार्बन कहाँ पे अटैच होते हैं। अरे भाई टेंशन मत लो, आज आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से, बस ध्यान से देखते चलो, सब कुछ समझ जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा भाई, यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके पहले वाली जाके क्लास देखो, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे मैंने आपको, वो वहाँ से लेके यहाँ तक के इतने सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना सिखाया था भाई, वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। हर तरफ मैं वैसा ही करती हूँ,
हर तरफ मैं फंक्शनल ग्रुप को अटैच करती हूँ। बुक में उसने सिर्फ अल्केन रिलेटेड बताया है, बट अल्केन रिलेटेड पढ़ने से थोड़ी आपका काम चलेगा भाई, आपको तो बाकी लोगों के बारे में भी आइडिया चाहिए। इसलिए मैं डायरेक्टली इससे क्या अटैच कर रही हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली इससे अटैच कर रही हूँ भाई आपके फंक्शनल ग्रुप को, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या अटैच कर रही हूँ भाई, यहाँ पे भी मैं अटैच कर रही हूँ आपके फंक्शनल ग्रुप को। हर तरफ मैंने कार्बन से एक एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब आप लोग ही बता दो भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी से बताओ। सारे के सारे 3-4 होती है, क्योंकि आपका कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है। तो हर तरफ मैंने कार्बन के साथ देखो कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4। हर तरफ आप लोग कार्बन के आजू बाजू में टोटल 4 बॉन्ड बना दो। देखो 1, 2, 3, 4, हर तरफ कार्बन के आजू बाजू में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। और हर तरफ मैंने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। अब ये फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो हो सकता है, अमीन, ईथर, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कुछ भी हो सकता है भाई, साइनाइड, आइसो साइनाइड, आइसो नाइट्रो, कुछ भी हो सकता है। अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखते चलो। बस यहाँ पे मैंने लिया है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लिया है आपका कोई ना कोई अल्किल ग्रुप, ठीक है भाई। यहाँ पे जो आपका R है ना, इसी R का मतलब होता है भाई आपका अल्किल ग्रुप। यहाँ पे जो आपका R है, इस R का मतलब ही क्या होता है, अल्किल ग्रुप होता है। इसी अल्किल ग्रुप का मतलब ही आपका क्या होता है, कार्बन की सीरीज होती है। जो भी आपकी कार्बन की सीरीज है वही रहेगा, मतलब मिथिल ग्रुप भी आ सकता है आपका, इसी के जगह पे इथिल ग्रुप भी आ सकता है आपका, इसी के जगह पे प्रोपिल ग्रुप भी आ सकता है, और ये सीरीज चलते जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी आपका अल्किल ग्रुप रहता है ना, अल्किल ग्रुप में ये इसमें से कोई भी आ सकता है और आगे तक चलते जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो भाई। फर्स्ट वाले केस में आपने ये देखा कि जो भी कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ना, जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ना, वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, मतलब ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन, मतलब ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन एक ही अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। तो इसीलिए आपने उसको नाम भी क्या दिया, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो एक ही अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है भाई, इसीलिए आपने उसका क्या नाम दिया, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इधर देखो भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो दो 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 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम है ना, वो दो दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। अगर एक अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच रहा तो उसको आप लोग बोलते हो प्राइमरी कार्बन, और अगर दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच रहा ना, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस आप लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन तीन तीन अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है ना, तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन। और अगर आपका जो कार्बन है ना भाई, वो चार चार अल्किल ग्रुप से अटैच है, अगर आपका कार्बन चार चार अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, क्वॉटरनरी कार्बन। तो सीधी सीधी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन एक ही अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, अब अल्किल में क्या होगा देख लो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्राइमरी कार्बन। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, सेकेंडरी कार्बन। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन तीन अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, टर्शियरी कार्बन। अगर आपका कार्बन चार अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो क्या बोलेंगे भाई, क्वॉटरनरी कार्बन। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चंस।
चलिए भाई, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसलिए एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस ले रही हूँ, स्पेसिफिकली आई वॉन्ट कि आप सभी को ये एकदम बेस्ट तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना भाई, तो IUPAC और कॉमन नेम चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया ना, तब भी वो अल्किल ग्रुप वाले कंसेप्ट में आपका हमेशा गोल ही रहेगा। गोल मतलब समझ जाओ, गोल। तो इसी का मतलब ये है कि मैं आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों का ये एकदम बेस्ट तरीके से हो जाए क्लियर, इसीलिए अपन लोग देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स को। चलिए भाई, सारे के सारे ज़रा यहाँ पे देखेंगे, एकदम ध्यान से देखो, आँखें भी खोलो, कान भी खोलो, दिमाग भी खोलो, ध्यान से देखो। सबसे पहला मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका, ये वाला भाई CH3 में अलग अलग फंक्शन ग्रुप लगाऊंगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। CH3 CH2 X, फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं ले लेती हूँ NO2 ग्रुप, CH3 CH3 H। और एग्जाम्पल्स देते हैं भाई, चलिए भाई ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपका ये X क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये भी X फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आपका ये NO2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OR फंक्शनल ग्रुप है। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है मैम, ठीक है समझ गए हमको, जो जो आपने राउंड किया है फंक्शनल ग्रुप है, बट हमको तो इनके नाम ही नहीं पता मैम, कैसी बात कर रहे हो आप। अरे भाई आपको नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने मेरा इसी चैप्टर का पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है। अगर आपने प्रीवियस वाला पार्ट देखा होता था ना भाई, तो आपको अभी इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। मैंने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे फंक्शनल ग्रुप समझा के दिए थे, और उनके नाम याद रखने का ट्रिक भी बताया था भाई, याद है ना, वो स्माइली फेस वगैरह अलग अलग एक्शंस करके समझा के दिया था। तो आप लोग वो लेक्चर को जाके देख लो, इसके पहले वाला ही है, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो किसी भी अल्किल ग्रुप से अटैच ही नहीं है। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन किसी भी अल्किल ग्रुप से अटैच ही नहीं है, ये तो भाई तीनों के तीनों आपके हाइड्रोजन ही है। मतलब ये भी आपका कैसा नेचर का रहेगा, ये भी आपका प्राइमरी नेचर का रहेगा, 1 डिग्री कार्बन ही है भाई, ठीक है। आप उसको 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो और आप उसको जनरल भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है वो 1 डिग्री या क्या है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन से अटैच है। लेकिन भाई सेकंड एग्जांपल को देखो, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आपने ये देखा कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो आप लोग इसको भी क्या बोलेंगे भाई, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इस केस में जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है भाई, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। नीचे आओ नीचे, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो दो दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो दो दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। देखो भाई समझ रहा ना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही होंगी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं रहा होगा क्या है फंक्शनल ग्रुप वगैरह,
लेकिन जिस लोगों ने को मैंने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, देखो वो कंसेप्ट से आपको बड़ी हेल्प मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया फंक्शनल ग्रुप कुछ भी आ सकता है। आगे देखो भाई, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, कुछ लोग पता है इतने पागल रहते ये कार्बन को भी काउंट करते। अब आप ही बताओ भाई, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, उस कार्बन को थोड़ी अपन काउंट करेंगे, वो तो फंक्शनल ग्रुप है भाई, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ये कार्बन को अपन थोड़ी काउंट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप है। तो जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो दो दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, दो दो अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है भाई, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। लेकिन फिर भी ज़रा ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहली गलती आधे से ज़्यादा पब्लिक यह करता है कि वो ये COOH ग्रुप के कार्बन को भी काउंट कर लेता है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए, भूल जाता है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैंने उसको पूछा ये प्राइमरी है सेकेंडरी है क्वार्टनरी है, कुछ लोग तो इतने पागल रहते हैं वो बोलते हैं एक दो तीन चार, टोटल चार कार्बन है मैम, तो ये तो क्वार्टनरी नेचर का है। देखते भी नहीं ज़रा आंखें खोल के कि सच में वो क्वार्टनरी है या क्या है। भाई देख तो लेना चाहिए था एक बार, यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करके बता दिया क्वार्टनरी, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो डायरेक्टली कितने अल्किल ग्रुप से अटैच है, डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है ना, उतना ही रहता है भाई, वो उतना ही रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ठीक है ठीक है, समझ गया हमको ये COOH फंक्शनल ग्रुप है और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये भी समझ गया मैम, मुझे यहाँ पे तो तीन तीन अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, मुझे तीन तीन कार्बन दिख रहे हैं। मैं कितने कार्बन से अटैच है वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली थोड़ी है भाई, ये तो इसके बाजू का है, इसको थोड़ी अपन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सेकेंडरी कार्बन। अब ज़रा इधर देखो भाई, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो तो तीन तीन अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है भाई, तीन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। गलती से भी इसको टर्शरी मत बोलना, ये डायरेक्टली दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली थोड़ी जुड़ा है वो। इधर आओ नीचे, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। कुछ लोग यहाँ पे भी पगलाबंती करेंगे, वो लोग यहाँ पे भी बोलेंगे नहीं 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 तीन तीन कार्बन टर्शरी है, ज़रा इधर तो देखो, फंक्शनल ग्रुप कार्बन डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से अटैच है, ये डायरेक्टली थोड़ी अटैच है इनसे, डायरेक्टली एक ही है तो प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे देखो, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना, वो तीन तीन अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे भाई, टर्शरी कार्बन। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, बहुत काम का ये। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, और आगे के पार्ट में हम लोग भाई देखने वाले हैं आपका जो भी अल्डिहाइड है ना, उसका हम लोग कैसा नेमिंग देते हैं, अल्डिहाइड को कॉमन नेम जो होता है वो कैसे देंगे, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ एकदम मस्त स्पीड के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग भाई फिलहाल देख रहे हैं आपका कि कैसे आप लोग नेमिंग करेंगे, कैसे आप लोग नेमिंग करेंगे। हम लोग ये जो नेमिंग देख रहे हैं ना भाई, ये आपका कॉमन नेमिंग देख रहा है कि कॉमन नेम कैसे आप लोग देंगे, हम लोग वो देख रहे हैं, कॉमन नेम्स फॉर अल्डिहाइड, हम लोग देख रहे हैं भाई कॉमन नेम्स फॉर अल्डिहाइड। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, मैम कॉमन नेम तो ठीक है कर देंगे, पहले ये तो बताओ ये अल्डिहाइड क्या चीज़ है, सीधा सीधा कॉमन नेम बढ़ा देंगे, अल्डिहाइड ही नहीं पता क्या है तो क्या मतलब भाई, आप लोग ही बता दो सीधा सीधा। अगर आपको अल्डिहाइड का मीनिंग ही नहीं पता क्या होता है, तो अपन कॉमन नेम डायरेक्टली पढ़ के क्या मतलब भाई। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, अल्डिहाइड एक्चुअली क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे कॉमन नेम को। चलिए भाई देखते हैं अल्डिहाइड को, ध्यान से देखने का, ध्यान से। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपका अल्डिहाइड होता है ना भाई, जो भी आपका अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड का मतलब ही होता है CHO ग्रुप। अल्डिहाइड का मतलब ही क्या होता है भाई, CHO ग्रुप। इसी CHO ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, सी डबल बॉन्ड टू एच, और यहाँ पे कोई भी आपका अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा।
हाँ कुछ लोग बोलेंगे ये बड़ा नया नया है, देखा जैसा लग रहा है। देखा जैसा तो लगेगा ही ना भाई, इसके पहले वाले पार्ट में ही तो ये समझा के दिया, तो बताया था ना यहाँ से लेके यहाँ तक के, इसके पहले वाले पार्ट में ही तो मैंने आपको समझा के दिया कि जो भी CHO ग्रुप होता है, मतलब जो भी सी डबल बॉन्डो एच ग्रुप होता है, उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो। देखो देखो ये है सी, ये है एच, ये है एच, ये है ओ, ये है ओ, सेम ही तो चीज़ है भाई, कुछ अलग थोड़ी है, वही चीज़ है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अल्डेहाइड का एक जनरल फार्मूला याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है, कि जो भी आपके अल्डेहाइड होते हैं ना, अल्डेहाइड का भाई आपका एक जनरल फार्मूला होता है, और जनरल फार्मूला जो होता है ना भाई आपके अल्डेहाइड का, वो देखो क्या होता है, आपके अल्डेहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। अल्डेहाइड का आपका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ठीक है अब हम लोग एक टेबल को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना भाई ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर जो सेकंड टेबल हम लोग बनाएंगे ना वो रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, उसके बाद में जो हम लोग देखेंगे ना वो देखेंगे स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हम लोग देंगे भाई उसका नाम, कॉमन नेम। आई होप सारे के सारे हो रेडी, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई जरा ध्यान से देखना सारे के सारे, एकदम ध्यान से देख। ठीक है सबसे पहले मैं आपका लूंगी कार्बन नंबर वन। ठीक है मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैं लूंगी आपका वन नंबर, मतलब हम लोग लेंगे n इक्वल्स टू वन। ठीक है एक सेकेंड, फिर हम लोग लेंगे आपका n इक्वल्स टू टू, फिर हम लोग लेंगे n इक्वल्स टू थ्री, फिर n इक्वल्स टू फोर, और फिर हम लोग लेंगे भाई आपका n इक्वल्स टू फाइव। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहला लिया मैंने n इक्वल्स टू वन, फिर n इक्वल्स टू टू, फिर n इक्वल्स टू थ्री, n इक्वल्स टू फोर और n इक्वल्स टू फाइव। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये तो बताओ ये n क्या है, ये n का वैल्यू लिखते जा रहे हमको, ये तो बताओ n क्या है। और अरे भाई याद रखना नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब ही क्या होता है, n होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे, वन रहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो भाई फॉर्मूले का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nO, याद रखना भाई इस जनरल फार्मूले को CnH2nO। अब मैंने कार्बन को लिखा, हाइड्रोजन को लिखा, ऑक्सीजन को लिखा, हर तरफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख देंगे, हर तरफ मैंने किसको लिखा भाई, हर तरफ मैंने लिखा आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, समझ गए ना। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से मैं देखो क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है फिर मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है आपके वन, ठीक है यहाँ पे कार्बन कितने हैं टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे कितने हैं भाई फोर, यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं फाइव है। तो जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम थे ना, जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम थे ना, मतलब जितना आपका एन का वैल्यू था ना वो मैंने कार्बन के नीचे लगा दिया। अब देखो क्या है फॉर्मूला क्या है, सी एन H2NO, क्या फॉर्मूला है भाई CnH2NO, मतलब आप जब N को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2N, क्योंकि आपका अल्डिहाइड का हमेशा जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2NO, मतलब कार्बन के नीचे वाले नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हाइड्रोजन का वैल्यू मिलता है CnH2NO। अब जरा इधर देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बस, वन टू जार कितना होता है, वन टू जार होता है भाई आपका टू। आगे बढ़ते हैं, टू टू जार कितना होता है, टू टू जार होता है भाई आपका फोर। और आगे बढ़ते हैं भाई, थ्री टू जार क्या होता है, सिक्स होता है, फोर टू जार क्या होता है, एट होता है, फाइव टू जार क्या होता है, टेन होता है। कितना आसान था, करना कुछ भी नहीं था भाई, करना क्या था आपको, यहाँ पे बस आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर जगह पे आपने क्या किया, हर जगह पे आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म।
ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे जल्दी से बता दो भाई, समझे या नहीं समझे। करना कुछ भी नहीं है, जितना कार्बन का नंबर दिया था उतना मैंने लिख दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे आपका है फॉर्मूला ही है CH2O, तो इसका आप लोग देखो कैसे लिखेंगे, एच सी डबल बॉन्ड दो एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझेगा धीरे धीरे समझेगा, एकदम से कुछ नहीं समझता है किसी को भी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड दो एच। एक बार चेक कर लेना, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो एक कार्बन दो कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये 3 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, 3 + 1 कितना होता है, 4, तो यहाँ पे भी ये 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ पे आपके कार्बन है 2, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 4, देखो 3 + 1 = 4 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 1। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप कहाँ से आया, समझा रहे हैं। अरे भाई इधर देखो, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, काम खत्म। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, और लगा देने का सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी दें। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, लगा दो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5, ठीक है भाई, तो करना कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आपके कार्बन थे 1, तो 1 ही है, यहाँ पे कार्बन 2 है, 2, यहाँ पे कार्बन 3 है, 1, 2, 3, यहाँ पे कार्बन 4 है और यहाँ पे आपके कार्बन है 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ही होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान से देखो इनका नाम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले का आपका नाम होता है फॉर्माल्डिहाइड। ये नाम अक्सर आपको याद ही करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप IUPAC नेम को समझ सकते हो बट कॉमन नेम को समझ नहीं सकते। कॉमन नेम मैक्स टू मैक्स केसेस में आपको रट्टा ही मानना पड़ता है। सेकंड वाले का नाम है भाई आपका एसिटाल्डिहाइड। सेकंड वाले का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। थर्ड वाले का नाम है भाई प्रोपियोनाल्डिहाइड। थर्ड वाले को आप लोग क्या बोलेंगे, प्रोपियोनाल्डिहाइड। फोर्थ मतलब 4 कार्बन है तो उसी को आप बोलते हो ब्यूटीराल्डिहाइड। और फिफ्थ वाले का नाम है मतलब 5 कार्बन है तो आप इसको बोलेंगे वैलेराल्डिहाइड। याद रखना ये चीज़ को, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है फॉर्माल्डिहाइड, रट्टा मारने का पार्ट है भाई ये, रट्टा मार, हो रट्टा मार। अगर 2 कार्बन है एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है प्रोपियोनाल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ब्यूटीराल्डिहाइड, और अगर 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ना तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, वैलेराल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका कैसे क्या हम लोग कॉमन नेम देंगे आपके एल्डिहाइड के ग्रुप को। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे काम का पार्ट जो डिस्कस किया ना, वो डिस्कस किया है कि आपका एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है भाई, CnH2NO। अगर कार्बन का नंबर पता चल जाए तो हाइड्रोजन में क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने का, काम खत्म। ले लो भाई जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं अपने ट्रिवियल नेम्स को। तो याद रखना है कि ट्रिवियल नेम्स का मतलब ही आपका कॉमन नेम होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो पेपर में अगर ट्रिवियल नेम कभी आ गया तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे ट्रिवियल नेम क्या है। याद रखना, अभी नहीं ट्वेल्थ में भी याद रखो कि ट्रिवियल नेम का अदर नेम ही क्या होता है, कॉमन नेम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 4। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमको ये सारा अभी क्यों पढ़ा रहे, बाद में पढ़ाऊंगा आराम से, लेकिन सुनो भाई ये कुछ ऐसे नेम हैं जो आपको बहुत बार रिएक्शन के अंदर में देखने को मिलेंगे। ऐसे मतलब ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो बार बार रिएक्शन में, बहुत सारे रिएक्शंस में आते हैं, इसलिए रैंडमली यहाँ पे वो लिया गया है ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, आप उनको समझ लो, सो दैट आपको वो पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है भाई, कुछ जगह पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ जगह पे अपन कंसेप्ट को लेके जाएंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन का मतलब ही क्या होगा भाई, ब्यूटेन होगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आए हैं, हम लोग सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे जो कार्बन है वो टोटल 4 है तो मैंने ब्यूटेन लिख दिया, लेकिन ये सारे के सारे कार्बन आपके एक ही लाइन में है भाई। यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन आपके एक ही लाइन में है, स्ट्रेट चेन में है, सिंगल लाइन में है, इसलिए आपने उनके सामने क्या लिखा, एन।
इस एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है, समझ गया। क्योंकि सारे के सारे कार्बन आपके एक ही चेन में है, एक ही लाइन में है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला, नॉर्मल मतलब ही एन, और ये है चार कार्बन मतलब ब्यूटेन। अब ज़रा इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल आपके कार्बन कितने हैं, यहाँ पे टोटल आपके कार्बन है चार, तो मैंने यहाँ पे ब्यूटेन तो लिखा भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों सी एच थ्री ग्रुप सेम है, तो इसी को मैंने क्या लिखा, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। वैसे तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये अल्किल ग्रुप पढ़ाने के बाद में आना चाहिए, मुझे पता है, मैंने अभी तक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ाया, आइसो सेकेंडरी नियो और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन अभी हम लोग इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अल्किन का पार्ट नहीं है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो सच में बार बार रिएक्शन में आएंगे, इसलिए इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सी एच थ्री ग्रुप सेम है, इसलिए मैंने कौन सा टर्म यूज़ किया, आइसो, और टोटल कार्बन कितने हैं चार, तो ब्यूटेन। नीचे आओ भाई, यहाँ पे आपका जो ये वाला कंपाउंड होता है ना, इसका नेम होता है एनिलीन, ये आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा, बहुत सारे रिएक्शन में एनिलीन आएगा। याद रखना कि अगर बेंजीन रिंग से आपका NH2 ग्रुप अटैच है तो वो क्या रहता है, एनिलीन। देख भाई, देखो नाम में आ रहा है N, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में भी N आ रहा है, तो ऐसे आप उसको याद रख सकते हो, वो ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, याद ही रखना पड़ेगा। अगर कार्बन से एक H है, एक OH है, एक CH3 है, एक COH ग्रुप है, तो आप उसको क्या बोलते हो, लैक्टिक एसिड। कहाँ पे होता है लैक्टिक एसिड, मिल्क में। ये है आपका क्लोरोफॉर्म, याद रखना है, ये रेमर टेमन रिएक्शन में आता है भाई, इसलिए याद रखो भाई, याद रखो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आते हैं तो आप उसको अल्काइन बोलते हो, लेकिन उसका मोर प्रिसाइज नेम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है भाई, एसिटिलीन। अब ये है आपका इथर, ये भी इथिल है, ये भी इथिल है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, डाई इथिल इथर। अभी आप लोग नाम के पीछे मत जाओ, अभी आप लोग सिर्फ इतना देखो कि क्या आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेडिक्ट करते प्रॉपरली आते हैं या नहीं आते। अब कुछ लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा ही नहीं, प्रेडिक्शन का योगा करवा रहे, अरे भाई इसके पहले वाला पार्ट था ना, वहाँ पे जाके तो देखो ज़रा एक बार, ओपन तो करके देखो, लास्ट साइड में, मतलब इसके पहले वाले पार्ट में जो लास्ट वाला पोर्शन था ना, उसमें पूरा पढ़ाया था। तो आप सिर्फ देखो आपको प्रेडिक्ट करते आ रहा है नहीं, देखो भाई मैंने पढ़ाया था कि अगर ऑक्सीजन आ जाए, गोल मटोल चेहरा, सुंदर सुंदर आंखें और प्यारी सी स्माइल, जो कि है आपका गोल मटोल लड्डू जैसा चेहरा भाई, वही तो है ये, वही तो है ये, क्या बोला था, इथर है। तो प्रेडिक्ट करते आया या नहीं आया, इथर है, आ गया भाई। प्रेडिक्ट करते आया या नहीं आया, अल्काइन है, आ गया। प्रेडिक्ट करते आया या नहीं आया, हलाइड है। बस मुझे इतना कन्फर्म करना है, अभी कोई नाम नहीं पूछ रहा आपको, ठीक है। प्रेडिक्ट करते आया या नहीं आया, अमीन है करके NH2 ग्रुप आया ना, तो अमीन है भाई। ये आपको प्रेडिक्ट करते आया है नहीं, COH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। फिर बताया था भाई, अगर कभी भी आपको COH ग्रुप दिख जाए, बताया था, क्या बोलते हो उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है ना भाई। इसी का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ OH, क्या बोलते हैं भाई उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ H ग्रुप है, तो क्या ही है, एल्डिहाइड है। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ में OH आ जाए तो एसिड, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ में OH आ जाए तो एसिड, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ में H आ जाए तो अल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या रहेगा, फॉर्माल्डिहाइड। नाम कैसे आ रहे, फिलहाल वो मत देखो, वो सब मैं समझाने वाली हूँ, आप ये देखो कि आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे NH2 भी है और यहाँ पे आपका COH ग्रुप भी, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। बट आप ज़रा इधर देखो, NH2 मतलब अमीन, COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसका ओवरऑल नाम ग्लाइसिन है, जो कि आपको रट्टा मार। अब ज़रा इधर देखो, इसको बोलते हैं भाई ग्लिसरॉल। ठंडी के सीज़न में आप लोग जो भी विंटर सीज़न में जो भी लोशंस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें ग्लिसरॉल होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका होता है भाई ग्लिसरॉल, ठीक है। सबको समझ गया इतना, तो ये थे आपके सारे के सारे कंपाउंड्स, ठीक है। मैंने उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इंसर्ट किए, सिर्फ आप फिलहाल इतना देखो, आपको प्रेडिक्ट करते आया नहीं कि ये कौन सा ग्रुप है। जिसको प्रेडिक्ट करते आ गया ना, उसके तो भाई सब कुछ वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जल्दी से पहले इस पार्ट का स्क्रीन शॉट लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, और भाई जल्दी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।